आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 7 सितंबर को रेलवे स्टेशन गोरखपुर के बाहर धर्मशाला ब्रिज के पास से अगवा कर झाड़ियों में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीनों अभियुक्तों को रेलवे जीआरपी थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 का दिया पुरस्कार। एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह ने किया खुलासा। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राजतंत्र ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह में संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विषयक संगोष्ठी में प्रख्यात संस्कृत शिक्षाविद पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री ने कहा, भारत को जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान है आवश्यक। संस्कृत एवं संस्कृति के समन्वय से ही साकार होगी एक भारत श्रेष्ठ भारत की धारणा। बंपर से रजिस्ट्रेशन नंबर छुपाने या हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगाए ऑटो के खिलाफ एसपी ट्रैफिक एवं सीओ ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। 55 ऑटो और 6 ई रिक्शा को यार्ड में भेजकर हटाया गया बंपर। सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने कहा, अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार की गई कार्यवाही। दो दिवसीय प्रदेश जूनियर बालक बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। मुख्य अतिथि सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने विजेताओं को किया पुरस्कृत। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, कहा, खूब खेलो, डटकर खेलो और कभी मत मानो हार, जरूर प्राप्त होगी सफलता। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत चल रहे सप्त दिवसीय श्री राम कथा के तात्विक विवेचन के 5वें दिन कथा व्यास ने कहा, जब तक पृथ्वी पर वेद का पारायण, गायत्री का जप, यज्ञ हवन होते रहेंगे, तब तक होती रहेगी पृथ्वी की रक्षा। देश की वन संपदा और वन्य जीवों के संरक्षण में बलिदान देने वालों को सम्मान देने के लिए मनाया गया राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस। डीएफओ विकास यादव ने कहा, जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले कर्मचारियों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए पुलिस लाइन में आयोजित किया गया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। एसपी ट्रैफिक द्वारा रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। कहा, किसी भी दान करने से बड़ा महादान होता है रक्तदान। और गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के 4th दिन संतोष स्पोर्टिंग कोराबार व कोराबार फुटबॉल क्लब का मैच रहा बराबर। वहीं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स ने केंद्रीय विद्यालय फर्टिलाइजर को 1-0 से किया पराजित। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी।